मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो है पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर मुंब्रा शहर में भी कल दोपहर 2 बजे एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है और हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। ये एहतजाज किस तरह का रहेगा हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। समीम भाई, किस तरह का जो है आप लोगों को कल जो है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर किस तरह का जो है विरोध प्रदर्शन रहेगा? मुंब्रा कोसा की कुल जमात ने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह ताला 18 तारीख को दिन बुधवार वक्त 2 बजे हम सबको यहाँ खड़े हुए एक एक साथियों को, हमारी माँ और बहनों को, हमारे नौजवान साथियों को, हमारे बुजुर्गों को एहतजाज में शामिल होना है और ताला पाली पे हम इकट्ठा होंगे। 2 बजे हम लोग यहाँ से खामोश रैली निकालेंगे। खामोश रैली की शक्ल में हम निकलेंगे यहाँ से और हम लोग पहुँचेंगे एम गेट पर, वहाँ ख़त्म करेंगे इसको। अच्छा, ये रैली जो निकाली जाएगी ये कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? तलाव पाली से मुंब्रा कौसा शिमला पार तलाव पाली से निकलेगी रैली और ये पहुँचेगी एम गेट पे। और हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अभी यहाँ पे खड़े हुए यासीन भाई यहाँ मौजूद हैं, आप दिखाइए उनको आपके माध्यम से। यासीन भाई, यहाँ मुंब्रा कौसा के जो होटल्स हैं उनके जितने भी होटल्स हैं उनके वो जिम्मेदार हैं और चेयरमैन भी हैं। आज उन्होंने खुद मुझसे कहा है, आपके माध्यम से भी वो कहेंगे कि वो आज अपनी पूरी टीम को लेकर के, हाफिज जी को लेकर, जितने उलमाए कराम और जितने उनके साथी हैं, हमारे नगर सेवक रेहान भाई पीतल वाले, हमारे मौलाना रफीक अजमल साहब, नेताजी और यहाँ मौजूद खलीलुल्लाह खान, मौलाना हैदर साहब, जुबेर भाई, जितने साथी यहाँ मौजूद हैं कलाम भाई रशीद कंपाउंड से, ये एक एक साथी सुबह आज से नहीं बल्कि जब से ये ऐलान कुल जमात की तरफ से हुआ है, ये वार्ड टू वार्ड एक एक गली मोहल्ले में जा करके यही अपील कर रहे हैं कि जुल्म और जाति के खिलाफ अब आवाज बुलंद करने का वक्त आ गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, तुम्हारी गोलियों से हमारी आवाज को तुम खामोश नहीं कर सकते। मानता है आज आप देखिए हिंदुस्तान के एक एक कोने में एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। मुंब्रा कौसा ने जब भी कभी हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है, सबसे पहले अगर कहीं से आवाज उठी है तो उस शहर का नाम मुंब्रा कौसा है। और इस बार भी इंशाअल्लाह ताला जो जन सैलाब कल दिखेगा आपको इस रोड के ऊपर, ये भी सामने आ रहे कि आप लोगों ने सिर्फ 2 बजे का अनाउंसमेंट किया है कि 2 बजे जो है यहाँ से एक विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा, लेकिन शहर में ये भी चर्चा चल रही है कि आप लोग जो है पूरा मुंब्रा शहर बंद कराने की कोशिश। इस्लामुद्दीन साहब, देखिए अभी हमने यासीन भाई से मीटिंग किया, अभी पूरी टीम खड़ी है यासीन भाई की, उन्होंने खुद कहा कि शमीम भाई अगर शहर बंद नहीं होगा तो एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। जब उनका होटल बंद रहेगा, उन्होंने कहा शमीम भाई मेरे साथ कल कम से कम 5,000 लोग रहेंगे, तो अगर यासीन भाई ने होटलों को बंद करवा दिया और 5,000 लोगों को लेकर के आ गए, तो ऐसे एक यासीन भाई अगर 5,000 लोगों को लेकर आएंगे तो मैं समझ सकता हूं महा फैसल साहब कि 50,000 लोग रहेंगे कल की रैली में। क्या आप लोग बंद करवाने के लिए क्या जबरदस्ती लोगों से बंद करवाएंगे या सिर्फ जो है रफीक अजमल साहब और हम लोग जब जब शॉप पे जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे थे तो हम जा रहे थे कहने के लिए कि भाई कल आप खामोश रैली में जो कुल जमात की जानिब से जो कल रखा गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें आप शामिल होइए। तो उन्होंने कहा शमीम भाई हम लोग कल दुकान ही बंद रखेंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये शॉप के लोग कह रहे थे। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो है कल एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है जिसको लेकर शहर में जो है लगातार प्रचार भी किया जा रहा है और लोग इससे जुड़ते भी जा रहे हैं। हम और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यासीन इस्माइल। बात सामने आ रही है कि आप सभी होटलों से, जो मुंब्रा में होटल हैं, सभी होटल मालिकों से आपने बातचीत की है कि जो है होटल कल के दिन बंद रखें, तो क्या आपके इस बात पर होटल मालिक राजी हैं? सब राजी है, सारे होटल मुंब्रा कौसा में जो है सब राजी है। और NRC के खिलाफ जो कल एहतजाज होने वाला है उसके लिए एक दिन क्या 10 दिन होटल बंद रखने पड़े तो हम तैयार हैं। और इसको ये जो कल रैली निकलने वाली है, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस रैली को कामयाब करे। और हमारे जितना भी स्टाफ है, जितनी भी होटल है उसमें स्टाफ कम नहीं है, बहुत सारा स्टाफ है और सारे स्टाफ के साथ हम रैली के साथ जुटेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से तमाम शहर के जो दुकान है, होटल है, उसको बंद करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि जो ये बिल
पास हुआ है, जो कानून का रूप अब ले लिया है, इसको लेकर जो तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, मुस्लिम समाज के लिए ये बिल घातक बताया जा रहा है, तो कितना सही है? देखिए, ये जो कानून लाया गया है CAB का, ये कानून दरअसल हिंदुस्तान में जो पहला कानून बना हुआ है कि यहाँ पर कोई मज़हब के अलग से उसको डील नहीं किया जाएगा, और वो कानून कभी मिटाया भी नहीं जाएगा कि उसका अमेंडमेंट लाया जाए। ये पहली बात समझ लीजिए, वो अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता है। इस यहाँ पे हर मज़हब को वही इख्तियारात मिलेंगे। ये बिल यहाँ पे पहले से कानून बना हुआ है, उस कानून के अंदर कोई मुदाखलत करता है तो आज मैंने दलितों से बात की है जो हमारे मुमरा में बसते हैं, ये पीछे खरड़ी रोड के तरफ, उन लोगों ने भी कल कहा है हमसे कि हम उसमें हम अपनी पूरी तादाद से हम वहाँ शामिल होंगे, इसलिए कि ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये मुल्क के कानून को तोड़ना, और एक वो शख्स जो इस देश का देशद्रोही है, वो आज जो हमारे लिए जो बहुत घातक है, वो अपने आप को जो है यहाँ रक्षा मंत्री बन गया है, लेकिन वो जानते हैं आपकी 6 महीने का तड़ीपार आदमी है, वो ऐसे लोगों के सिलसिले में हम जब तक ताकत से रोड पे नहीं आएंगे और हम जब तक के ताकत से उसकी मुदाखलत नहीं करेंगे तो ये कानून इस तरीके से बनता और बनाते रहेंगे और हमारे ऊपर जुल्म करते रहेंगे। इसलिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया कि जो हम लिबास से पहचान लिया जाता है कि कौन जो है उपद्रोही कर रहा है, नहीं ये तो देखिए उनकी सोच है, जो गंदे सोच का मालिक होता है वो ऐसे ही सोच रखता है। हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने एक समुदाय की तरफ इशारा किया है, लेकिन उस समुदाय से साफ सुथरा आप रहे नहीं होंगे। आज जो है आपका जो लिबास है वो लोगों के उस पर पैसे पर अवामी पैसे पे बनता है, लेकिन जब आप अपना खुद का लिबास पहनते थे तो इससे भी ख़राब होता था। जो तुमने एक समुदाय की तरफ इशारा किया है, इस पर सारे लोगों ने उनकी थूथू की है और वो इसी लायक हैं, वो और अच्छी बात तो कर ही नहीं सकते। मुल्क की तरक्की की बात, मुल्क में जो आज पसमादगी फैली हुई है, मुल्क में जो लोग आज बेरोज़गारी फैली हुई है, मुल्क में लोग आज खाने पीने से परेशान हैं, कारोबार से परेशान हैं, उस पर तो आपको गुफ्तगू नहीं करनी है। आप एक समुदाय की तरफ थोप करके और मुल्क में आप लड़ाने का काम कर रहे हैं दूसरों को, ये बात लोग समझ गए हैं। रियान भाई, जिस तरह से एहतजाज होगा, आप लोगों का किस तरह से इस एहतजाज में समर्थन? इस्लामुद्दीन खान साहब, ये तो पहला मामला ऐसा है कि कल यहाँ पर दोपहर में 2 बजे इस एहतजाज को शुरू किया जाएगा रैली की शक्ल में, और ये एक बहुत साइलेंट एहतजाज रहेगा। सारी आवाम से हम अपील करेंगे, सारे पूरे मुमरा कौसा की, खास करके मैं रशीद कंपाउंड से हूँ, सारे रशीद कंपाउंड हमारे अंदर के इलाके देवरीपाड़ा से, हमने सारे लोगों से ये अपील की है कि सारी बड़ी कसीर तादाद में इस रैली को कामयाब बनाएं, और जो हमारी गुस्सा है, जो हमारी नाराज़गी है, वो हमें इस सरकार को जाहिर करना है, और इस जाहिर करने का मकसद ये है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर सारे फिरके, सारे मज़हब के लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ये एहतजाज कर रहे हैं, सारे और दीगर मज़हब के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, और हम लोग हमारा एहतजाज की शक्ल में ये रैली शुरू करेंगे MM वैली पर तालाब के पास से, और हम लेके जाएंगे इसे M Gate के पास, और सारे लोगों से हम ये अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बढ़ चढ़ कर इस रैली में, इस एहतजाज में शिरकत करें इंशाअल्लाह। तो जिस तरह से आपने सुना कि इन लोगों ने कहा है कि बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये मार्च कल दोपहर 2 बजे निकाला जाएगा, और रही बात मुमरा शहर की बंद करने की, तो जो होटल के तमाम मालिक हैं, इन लोगों के तरफ से होटलों को बंद रखने की बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुमरा शहर में और भी दुकान है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी दुकानें बंद रखते हैं या नहीं रखते हैं। फिलहाल ये जो मोर्चा निकाला जाएगा, यह कुल जमात की तरफ से निकाला जाएगा, और कुल जमात की तरफ से किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि वो अपनी दुकानों को बंद रखें। फिलहाल इनके तरफ से ये आह्वान किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इस मोर्चे में पहुंचे और इस मोर्चे को कामयाब बनाएं। कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।